तो दोस्तों ये है ओप्पो का लेटेस्ट रेनो 11। अक्रम भाई आ गया क्या? क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर ओप्पो का रेनो 11 और 11 प्रो सीरीज आ गया है। क्या बात है, अरे मैं गांव जाने का टाइम आया नहीं था, अभी आ गया है दोस्तों। और यहाँ पर वीडियो भी ओप्पो रेनो 11 प्रो से बन रहा है 4K में। इसी से यहाँ पर आप बताओ कि इसका क्वालिटी कैसा है, बाकी पूरा वीडियो अभी शूट हो जाएगा। चलिए, हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी और टेक्नोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ चुका है ओप्पो का रेनो 11। यहाँ पर है पोर्ट्रेट एक्सपर्ट। काफी कुछ चेंज हो गया है कुछ ही दिनों में, ओप्पो का नया फोन आ गया है। यहाँ पर अकरम भाई भी आ गए हैं, सारा कुछ पता करेंगे आज हम लोग अकरम भाई से। भाई मैं कहाँ पहुँच गया भाई? अरे आप कहाँ हो, कहाँ थे और किधर? कहाँ पहुँच गया? आप आ गए हो अभी ओप्पो रेनो 11 के लॉन्च पर। सेम है यहाँ पर दोस्तों, सिटी चॉइस स्टोर पर ओप्पो रेनो 11 और 11 प्रो आ चुका है। कैसा लग रहा है? ये तो अच्छा लग रहा है, रियली अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पोर्ट्रेट एक्सपर्ट, और आप सभी को पता है कि रेनो कैमरा के लिए पॉपुलर है। आप बताओ अकरम भाई, कौन सा आपको ज्यादा पसंद है? मेरे को ब्लैक ही अच्छा लग रहा है। ब्लैक ही पसंद है, अकरम भाई की टेस्ट पता है ना किस तरफ जा रही है। प्रैंक हो गया आपके साथ। अरे बाप रे, कमाल कर दिया दोस्तों। यहाँ पर फोन टूटता नहीं है, आप देख सकते हो कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बहुत ही मजबूत फोन है, बहुत ही कड़क फोन है। यहाँ पर अकरम भाई, हम लोग ओप्पो के तो बहुत सारे फोन निकालते रहते हैं, एक के बाद एक फोन आते हैं, पर इस बार ओप्पो ने क्या कमाल किया है। मेरे को लगता है बहुत लाइट वेट बनाया, लगता है बहुत हल्का है, और कैमरा भी एकदम अलग, कैमरा भी बहुत अलग दिखता है, एक अजीब लग रहा है बहुत। यहाँ पे दोस्तों अकरम भाई बोलना चाहते हैं कि कैमरा बम्प जो है दूसरे जितने भी फोन है यहाँ पे उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है और एकदम डिफरेंट दिखने वाला है यहाँ पे। तो थोड़ा और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर ले इसके। यस डेफिनेटली। यहाँ पर दोस्तों ये है हमारे पास 11 प्रो, बहुत ही कमाल का है। 6.7 इंच का एमोलेड स्क्रीन है, बहुत ही कमाल का इसमें स्क्रीन है, और साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट टच सेंसर। इसका फीचर्स के बारे में हम बताने के लिए मैं तो इतना माहिर नहीं है। हाँ। इसका अथॉरिटी मेंबर को बुलाएगा एकदम। यहाँ पर ताजू भाई बहुत दिन से नहीं आए, आज हमारे चैनल पर एक बार फिर से आएंगे। ताजू भाई, अकरम भाई कैसा लगा? अच्छा है, ठीक है, चीक भी लगाए, थोड़ा बीमार है, बीमार है, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट करने के लिए ताजू भाई आज आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा। लेकिन ओप्पो 11 ओके ताजू भाई पूरा डिटेल से दे देना, आवाज सब पब्लिक को पूछना चाहिए, एकदम सबको बांटो। सही है अक्रम भाई, अभी सब चीज बताएगा इसके बारे में जी। ओप्पो ने दो मॉडल, रुक जा ताजी भाई, सबसे पहले एनर्जी चाहिए। ओके ओके अक्रम दोस्तों के लिए एनर्जी, और साथ ही साथ ओप्पो रेनो 11 प्रो और 11 दोनों दुबई के मार्केट में आ चुका है और तबाही हो चुकी है दोस्तों। मैं डर गया, इसके एनर्जी बोल के इसके एनर्जी निकाल रहा हो गया। सही है, क्या करे भाई ये दोनों का एनर्जी बाहर आने दो, मैं बाहर जाता हूँ, डिटेल्स में बता दो, सब कुछ बताएगा। तो यहाँ पर ताजू भाई, रेनो 11 में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है? रेनो 11 के बारे में बात करेगा तुम, रेनो 11 में आपको 12GB रैम 256GB मिलेगा, और 11 प्रो जो है 11 प्रो के साथ आएगा आपको 12GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज के साथ मिलेगा एकदम दोस्तों। तो ये है यहाँ पर दोनों स्पेसिफिकेशन, ये देखो देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही कमाल का बैक कवर है, और कैमरा बम्प भी इस बार अलग देख अच्छा रखा अच्छा बना दिया। और इसका पीछे का बॉडी है ओप्पो ग्लो बोलते हैं, इसका बॉडी है आपको सिल्वर का कोटिंग बोल के, वो भी आपको हाथ पकड़ेगा कुछ नजर नहीं आएगा, कोई भी कुछ भी नहीं आता, फिंगरप्रिंट फ्री है, वो 100% फिंगरप्रिंट फ्री है, एकदम जबरदस्त है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 11 प्रो के बारे में, क्योंकि 11 प्रो इस बार है पोर्ट्रेट एक्सपर्ट, दोनों पोर्ट्रेट एक्सपर्ट ही है। तो दोस्तों रेनो 11 प्रो सही, इसमें जो फर्स्ट कैमरा है 50 मेगापिक्सल सोनी IMX890 सेंसर, सबसे वर्ल्ड में सबसे टॉप सेंसर है वो सोनी में, बहुत अच्छा जबरदस्त कैमरा मिलेगा आपको एकदम अच्छा। और ये जो कैमरा है देख कैमरा का आपको खींच के भी देख सकते हैं, मैं आपको खींचेगा कैमरा का सैंपल दिखा देते हैं दोस्तों, देख लो गाइस सैंपल किस तरह से आने वाला है, ये देख लो कैमरा का बहुत जबरदस्त कैमरा मिलेगा, फोटो खींचने के बाद आपको कैमरा क्लैरिटी देख सकते हैं इसका, इवन आप इतना भी जूम करो आपको पिक्सल्स टूटता नहीं। ओके
जबरदस्त कैमरा मिलेगा। और नेक्स्ट कैमरा बात करेगा तुम, इसमें सेकेंडरी कैमरा दिया 32 मेगापिक्सल टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा मिलेगा, उसका भी थोड़ा सा डेमो। टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा मतलब आप पोर्ट्रेट खींचने के टाइम नॉर्मली खींचेगा इतना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। उसका थोड़ा स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। ओके, वो स्टेप्स फॉलो करेगा तुम, आपको फर्स्ट कैमरा ओपन कर लो। अच्छा। ओपन कैमरा करने के बाद पोर्ट्रेट में जाओ, पोर्ट्रेट का पहले ऊपर नीचे थ्री सेटिंग्स मिलेगा। वो सेटिंग्स में जाके फर्स्ट ग्रिड लाइंस ऑन करना पड़ेगा। ग्रिड मतलब सीधा आपको कैमरा खींचने के टाइम आपको नेक का नीचे बराबर कर रख के आप खींचेगा, सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट मिल जाएगा। और ग्रिड लाइन ऑन करो और लेवल ऑन करो। क्या बात है, लेवल ऑन करने के बाद आप फोटो खींच सकते हैं। आदमी थोड़ा देखो अगेंस्ट द लाइट 2 मीटर डिस्टेंस, और हम पकड़ने वाला आदमी भी आपको 1.5 मीटर डिस्टेंस में फोटो खींच सकते हैं आराम से। अगर आप पीछे का शो थोड़ा अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, सीनरीज थोड़ा अच्छा सीनरीज मिल रहा है, तो तुम 1x में फोटो खींचेगा, 1x में आपको नॉर्मल पोर्ट्रेट मिल जाएगा। ओके। अगर आप 2x में खींचने के टाइम थोड़ा पीछे का दो दूर भी है वो नजदीक में लेके आके आपको अच्छे से पोर्ट्रेट मिल जाएगा, सेम इसके तरह देख लो। वाह, देखो इसका पोर्ट्रेट कैमरा देखो, इतना क्लैरिटी में, जबरदस्त क्लैरिटी, फोटो का क्लैरिटी देख लो। ओके, इवन जूम करो, इसका पोर्ट्रेट है ना, बराबर आपको सब जगह में आपको इवन हेयर तक अच्छे से दिखता है, पूरा सर चीज दिखता है। और इसमें दूसरा ऑप्शन भी है कैमरा में, नॉर्मल फोटो खींचने के बाद, कोई भी कैमरा खींचने के बाद आपको इसका कैमरा का पिक्चर प्रेस करो, उसका इमेज आपको आईफोन का तरह आप शेयर भी कर सकते हैं, एकदम सेम कई, इसका बोलते हैं इमेज कोटिंग बोलते कुछ। हाँ, तो यहाँ पे वो इमेज भी आप एकदम आराम से ले सकते हैं दोस्तों, वो भी बहुत ही अच्छे से आपका बैकग्राउंड रिमूव करते हुए इमेज को कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं। हाँ, सही है। इसमें मैं अभी 32 मेगापिक्सल टेलीफोटो पोर्ट्रेट कैमरा भी आपको सोनी IMX709 सेंसर बोलते हैं, एकदम। और थर्ड कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी आपको सोनी IMX355 सेंसर, ये तीनों आपको सोनी सेंसर मिलेगा। और फ्रंट कैमरा का बात करेगा, फ्रंट कैमरा भी आपको 32 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, सोनी का कैमरा वो भी आपको 709 सेंसर के साथ अच्छा कैमरा मिल जाएगा। इवन आपको पोर्ट्रेट खींचो, कोई भी फोटो खींचो, जबरदस्त कैमरा क्लैरिटी और एकदम अच्छा पिक्चर मिल जाएगा, पिक्चर्स तो आपको टूटता नहीं, पिक्चर्स क्वालिटी। और पिक्चर्स के जो ये सैंपल्स आप देख रहे हैं दोस्तों, आप देख के बताना कि कैसे लगे आपको सैंपल्स। ओ ये यहां पर देखिए दोस्तों, ये है रियर कैमरा का वीडियो, यहां पर देखते हैं दोस्तों, ये है वीडियो, और क्या चमकता हुआ वीडियो यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो कैमरा के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया, यहाँ पर ताजू भाई इसकी बैटरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या होगा? एक्चुअली बैटरी के बारे में बात करेगा, बैटरी 11 प्रो के साथ आपको 4600 mAh बैटरी आता है, और 11 के साथ 5000 mAh बैटरी आता है। अरे वाह। और एक और चीज बताने का बैटरी के बारे में, ओप्पो में सबसे बेस्ट चीज है बैटरी के बारे में, 4600 बैटरी, इसका बैटरी का हेल्थ दे दिया 4 साल का बैटरी हेल्थ। क्या बात है, मतलब आप हर दिन एक बार और दो बार चार्ज करेगा वो आपको 4 साल का लॉन्ग लास्ट करेगा, मतलब 100% बैटरी, 80% ड्रॉप होने के लिए 4 साल लगेगा, ऐसा ओप्पो क्लेम करता है। सेम आपको एप्पल कैसा बैटरी हेल्थ देता है, ओप्पो में भी सेम चीज मिलेगा, आपको बैटरी का मसला नहीं आएगा 4 साल तक, वो कंपनी ने गारंटी दे दिया। ओके, एकदम। तो ताजू भाई अब यहाँ पर ओप्पो 11 प्रो के साथ कौन सा चार्जर मिलेगा? 11 प्रो के साथ आपको 100 वाट का सुपर वूक चार्जर मिलेगा, और साथ ही साथ 11 के साथ 11 के साथ आपको 67 वाट का सुपर वूक चार्जर मिलेगा। यहाँ पर चार्जर आप देख सकते हैं कमाल का है, और इसमें टाइप सी का पोर्ट आता है। और साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको एक केबल भी मिलेगा, टाइप ए टू टाइप सी केबल है बॉक्स के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको उसके साथ आपको कवर भी, अभी नॉर्मल केस नहीं दिया, उसके साथ अच्छा केस है, वो कलर का डिपेंड है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही कमाल का कवर दिया है, सिलिकॉन वाला, एकदम जबरदस्त देखने में लगता है। तो आप देख सकते हैं कवर की क्वालिटी भी बहुत कमाल का है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कवर भी है जो बॉक्स में, बहुत ही कमाल का है, इसकी क्वालिटी भी एक नंबर है, कोई भी एरा गैरा कवर यहाँ पर नहीं दिया गया। तो बॉक्स कंटेंट भी काफी कमाल के, और साथ ही साथ कुछ क्विक गाइड है, सेफ्टी गाइड है जो कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं। और बाकी इसमें एक मिल जाता है
सिम इजेक्टर टूल। तो ये तो हो गया यहाँ पर बॉक्स के कंटेंट। चलिए दोस्तों ये तो हो गया बॉक्स के कंटेंट, अब बात कर लेते इसके बॉडी के बारे में। सही है। कैसा है ये? इसका डिजाइन बनाया आपको फोर साइड में एज, देखो फोर कॉर्नर एज डिजाइन बनाया। पहले का आपको स्क्वायर टाइप में आता है एकदम, ये अभी आपको कॉर्नर पे फोर कॉर्नर एज मिलेगा। और इवन आप ड्रॉप करेगा तो आपको इतना चीज भी आपको कुछ भी स्क्रैच कुछ नहीं होगा। आपने देखा कि ड्रॉप हुआ भी पर उससे भी कुछ फर्क नहीं। और आपको फ्रंट स्क्रीन के बारे में बात करेगा, 6.7 इंच एमोलेड स्क्रीन के साथ आता है, 1.07 बिलियन कलर डिस्प्ले आता है। क्या बात है। और ओप्पो रेनो 11 प्रो में आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दोनों का। कैसे काम करता है थोड़ा दिखा दे। देख लो, थोड़ा प्रेस करो, देखो बहुत ही फास्ट है ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसके जो एजेस हैं बहुत ही स्लीक डिजाइन है, बहुत ही प्रीमियम है। और बेजल्स तो दोस्तों बिल्कुल नहीं है। हाँ सही है। तो और क्या खास है इसमें? इसके बारे में बैक साइड बात करेगा, तुम वो बोला ना, आप पहले बोला था आपको मैट डिजाइन बनाया, इसका 100% फिंगरप्रिंट फ्री है। Wow. आपको कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। अगर आपको विदाउट कवर भी यूज कर सकते हैं, विद कवर भी यूज कर सकते हैं, उसका आपको डिपेंड्स है। ओके एकदम। अब इसके वेट के बारे में थोड़ा बात कर ले। इसका वेट के बारे में बात करेगा तो हम आपको 181 ग्राम दे दिया, बहुत ही हल्का, बहुत हल्का है, लाइट वेट है। और साथ ही साथ बहुत ही स्लिम है दोस्तों, डिजाइन एकदम प्रीमियम देखने में लगता है। और अगर कोई जो हमारे दोस्त है गेमर है वो अगर पूछेंगे इसमें क्या प्रोसेसर मिलता है? प्रोसेसर मिलेगा डायमंड सिटी 8200 मीडियाटेक डायमंड सिटी में मिलता है, 11 प्रो में मिलता है डायमंड सिटी 8200। ये आपको प्रोसेसर भी काफी अच्छा मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी निकाल के देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक इंफ्रारेड है, तो इसका क्या फीचर होगा? इसका इंफ्रारेड के बारे में बात करेगा तो आपको कोई भी स्मार्ट डिवाइसेस लाइक टीवी है और एसी है, रेफ्रिजरेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कौन सा आपको स्मार्ट में काम करता है वो पूरा चीज इसमें रिमोट कंट्रोल का जैसा यूज कर सकते हैं। अगर आपको रिमोट कंट्रोल आप मिस हो गया, टूट गया, उसका प्रॉब्लम नहीं है, ये इसमें से आपको रिप्लेसमेंट करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पर ओप्पो रेनो 11 प्रो के बारे में। और साथ ही साथ ओप्पो रेनो 11 भी लॉन्च हो गया। तो सभी पूछ रहे होंगे कि इनके प्राइसेस क्या है। हाँ, इनका प्राइसेस आएगा रेनो 11 का आपको 1599 में आ रहा है और रेनो 11 प्रो का आपको 2099 में आ रहा है। तो यहाँ पर ये तो हो गया प्राइस पर। अक्रम भाई के स्टोर पर आपको कब से मिलेगा? अक्रम भाई का दुकान से आपको कल से मिल जाएगा, स्टार्ट कर देगा। आज रात को स्टॉक आ जाएगा आपको 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियल सेलिंग तो आपको 11 तारीख को, उसका पहले दिन हम लोग का मिलता है एकदम। तो एक दिन पहले यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक दिन पहले अगर कोई आता है तो इनको कोई गिफ्ट भी मिलेंगे? अगर आपको 11 तारीख का पहले आके परचेस करेगा उसके साथ आपको प्री बुकिंग गिफ्ट भी मिल जाएगा। अगर उसके साथ आपको 11 प्रो के साथ आपको ओप्पो का कार चार्जर, मतलब 80 वाट का कार चार्जर मिलेगा। okay. प्लस ओप्पो का इनको बड्स 2 मिल जाएगा। अरे वाह। और रेनो 11 के साथ आपको मिलेगा एक काल का वॉच और एक इनको बड्स 2 मिल जाएगा। क्या बात है दोस्तों। तो दोनों ही फोन के साथ आपको कमाल के गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से आ जाइए सिटी चॉइस स्टोर पर, जहां पर कल से यानी कि 10 जनवरी से ये दोनों फोन्स अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जल्दी से जल्दी आना है सिटी चॉइस स्टोर पर और प्री बुक कर लेना है ताकि आप इन सारे डील्स का फायदा उठा सके। सही है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये फोन कैसा लगा। आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं दुबई से, जहां पर हम आपको बताते हैं कि क्या है लेटेस्ट प्राइसेस आईफोन और दूसरे एंड्रॉइड डिवाइसेस के। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।